Welcome guys, welcome back to my YouTube channel again. I am back with another interesting video lecture on computed tomography, that is the part 2 of Hans field units. अगर हम conventional radiography की बात करेंगे तो image पे densities या linear attenuation coefficients determine करने के लिए क्या है कि हमारे पास बस subjective means available है. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लिया तो उस चेस्ट एक्सरे पे मुझे लंग्स में कुछ सर्कुलर सा एरिया दिख रहा है तो उस सर्कुलर एरिया की डेंसिटी या लीनियर एटेन्यूएशन या हम बोलेंगे शेड ऑफ ग्रे देखने के लिए मेरे पास क्या है कि मैं जो उस सर्कुलर एरिया के एडजेसेंट में नून या उस इमेज पे नून ऑब्जेक्ट्स होंगे नून स्ट्रक्चर्स होंगे तो मैं उनका मदद ले सकता हूं और देख सकता हूं कि उस सर्कुलर एरिया की डेंसिटी या शेड ऑफ ग्रे क्या हो सकती है. अब अगर हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी में देखेंगे ना जो हॉर्न्स फील्ड यूनिट है ना इसका यूज क्या है, यह हमें मदद देता है किसी टिश्यू की बीम एटेन्यूएटिंग एबिलिटी क्वांटिफाई करने में. अगर हमें देखना होगा कि कोई टिश्यू एक्सरे बीम को कितना एटेनेट करता है तो वो हम यहां पे किसे देख सकते हैं, हॉर्न्स फील्ड यूनिट से. या किसी गिवन टिश्यू को लीनियर एटेनेशन कोएफिशिएंट क्या होगा या किसी गिवन टिश्यू को कौन सी शेड ऑफ ग्रे मिलेगी तो वो सब हम डिटरमाइन कर सकते हैं हॉर्न्स फील्ड यूनिट से. फॉर एग्जाम्पल कोई वॉक्सर है उसको कौन सी शेड ऑफ ग्रे मिलेगी, उसको वो ब्लैक दिखेगा वो व्हाइट दिखेगा या वो इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट यानी कोई भी ग्रे ग्रे शेड मिलेगी उसे. तो ये सब हम किसे क्वांटिफाई करते हैं, ये सब हम किसे मेजर करते हैं, एक यूनिट से जिसे हम बोलते हैं हॉर्न्स फील्ड यूनिट. इज इट क्लियर? यस. देखिए अब जो हमारा हॉर्न्स फील्ड यूनिट होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी में इट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू वाटर. ये हम वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं यानी जो वाटर होता है यहां पे वाटर इज टेकन एज द रेफरेंस. तो अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि सीटी नंबर या हॉर्न्स फील्ड यूनिट किसके बराबर होता है तो देखिए जो हॉर्न्स फील्ड यूनिट होता है हॉर्न्स फील्ड यूनिट इज इक्वल टू के इंटू म्यू वॉक्सल माइनस म्यू वाटर होल डिवाइड बाई म्यू वाटर. व्हाट इज के हियर? के इज अ कॉन्स्टेंट and its value is fixed for modern scanners, that is its value is 1000. What is mu voxel? Mu voxel is the linear attenuation coefficient of the tissue we are examining and mu water is the linear attenuation coefficient of water, that is wo kitna hai linear attenuation coefficient of water, that is 0.18 per centimeter. Is it clear? हाँ. तो देखिए जो earlier scanners थे ना उनके लिए ये k fixed होता था 500. लेकिन जो modern scanners हैं उनके लिए k का value कितना है? 1000. Is it clear? हाँ. तो अब हम देखेंगे body में कुछ tissues होते हैं, body में कुछ structures होते हैं, उनका attenuation coefficient. लेट सी. देखिए अगर सबसे पहले हम वाटर लेंगे, वाटर का जो एटेन्यूएशन हम बोलेंगे म्यू डब्ल्यू इज एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ वाटर, इट इज 0.18 पर सेंटीमीटर. तो अब हम वाटर का हॉर्न्स फील्ड यूनिट देखेंगे तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो निकलेगा. देखिए हॉर्न्स फील्ड यूनिट इज इक्वल टू K is 1000 into mu voxel. Here we are examining water. So mu voxel here we will write it as mu water minus mu water divided by mu water. Mu water, 0. 0 into anything, 0. 0 divided by anything, that is 0. So from here we can say that Hans field unit or we can say HU unit
ऑफ वाटर इज इक्वल टू जीरो, इज इट क्लियर? हां, तो अब इसी तरह से हम क्या लेंगे, इसी तरह से हम ईयर लेंगे। अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इसका जो एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है वो जीरो होता है। सो पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट हॉर्न्स फील्ड यूनिट। सो हॉर्न्स फील्ड यूनिट इज इक्वल टू के, वैल्यू ऑफ के इज 1000 इनटू म्यू वॉक्सल। म्यू वॉक्सल वी आर एग्जामिनिंग हियर एयर, सो म्यू वॉक्सल वी विल पुट जीरो माइनस म्यू वाटर बाय म्यू वाटर। तो यहां पे आप म्यू वाटर के बदले 0.18 भी डाल सकते हो, तो वो तो नीचे भी डालना है ना आपको, लेकिन मैं ऐसे ही रखूंगा। देखिए 0 माइनस म्यू वाटर इट इज माइनस म्यू वाटर, तो 0 माइनस म्यू वाटर इज माइनस म्यू वाटर। माइनस म्यू वाटर एंड माइनस म्यू वाटर कैंसल, सो 1000 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1000। फ्रॉम हियर द हॉर्न्स फील्ड यूनिट ऑफ एयर इज माइनस 1000। अब हम एक और टिश्यू लेंगे बॉडी में, कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन, देखिए जो कॉर्टिकल बोन होती है ना, इसका जो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है वो कितना होता है, दैट इज 2 times दैट ऑफ वाटर। कॉर्टिकल बोन का जो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट हम बोलेंगे म्यू बोन इज इक्वल टू 2 times म्यू वाटर। तो अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो यहां से हमें क्या निकलेगा, हॉर्न्स फील्ड यूनिट इज इक्वल टू के 1000 इंटू म्यू वॉक्सल। हियर द वॉक्सल इज कॉर्टिकल बोन, इसका म्यू कितना है, 2 times म्यू वाटर माइनस म्यू वाटर डिवाइड बाय म्यू वाटर। दो म्यू वाटर्स को एक म्यू वाटर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 म्यू वाटर। यहां पे सिर्फ 1 म्यू वाटर बचेगा, नीचे भी 1 म्यू वाटर, दिस एंड दिस विल गो, इट इज प्लस 1000। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड द हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी लाइक वाटर, इट्स हॉर्न्स फील्ड यूनिट इज 0 टेकन एज रेफरेंस। हॉर्न्स फील्ड यूनिट ऑफ एयर इट इज माइनस 1000 एंड हॉर्न्स फील्ड यूनिट ऑफ कॉर्टिकल बोन इट इज प्लस 1000। इज इट क्लियर? यस। तो हमने इस फॉर्मूला की मदद से डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के जो सीटी नंबर्स हैं या हॉर्न्स फील्ड यूनिट्स हैं वो हमने कैलकुलेट किए और हमने एक स्केल बनाई जिसका नाम है हॉर्न्स फील्ड स्केल और सीटी नंबर स्केल। अगर हम इस स्केल पे देखेंगे तो जो वाटर है जो हमने अभी देखा उसका सीटी नंबर 0 है, कॉर्टिकल बोन का प्लस 1000 एंड ईयर का माइनस 1000। हां देखिए जो कॉर्टिकल बोन है आपको पता ही है कि इसका एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा सीटी इमेज पे, कॉर्टिकल बोन हमें वाइड दिखेगी। इसी तरह से जो ईयर है, ईयर का एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट सबसे कम होता है, 0 होता है, सो डेंसिटी बहुत कम है, तो सीटी नंबर इसका सबसे कम है माइनस 1000। सो इट अपीयर्स ब्लैक ऑन सीटी इमेज। जो एयर है वो सीटी इमेज में कैसा दिखता है, ब्लैक। अब जो हमारा वाटर है इट इज द रेफरेंस पॉइंट, इट इज द सेंट्रल वैल्यू एंड इट हैज 0 सीटी नंबर वैल्यू, सो इट अपीयर्स ग्रे ऑन द सीटी इमेज। क्लियर? हां, तो अब अगर किसी टिश्यू को वाटर से ज्यादा ज्यादा होगा तो ऊपर ऊपर जितना वो जाएगा कॉर्टिकल बोन की तरह, जब 0 से ज्यादा उसको सीटी नंबर बढ़ेगा तो वाइट दिखने लगेगा, अगर 0 से कम सीटी नंबर उसे अलॉट होगा तो वो कैसा दिखेगा, वो ब्लैक ब्लैक होने लगेगा, अल्टीमेटली कंप्लीटली ब्लैक अगर माइनस 1000 मिला उसको सीटी नंबर। हां,
बिटवीन दिस ब्लैक एंड बिटवीन दिस व्हाइट वी हैव वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे ऑन द बेसिस ऑफ सीटी नंबर्स. तो अगर हम अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो सीटी नंबर है ये प्लस 15 है. अगर ब्लड की बात करेंगे, ब्लड का सीटी नंबर प्लस 20. अगर हम ग्रे मैटर की बात करेंगे, ग्रे मैटर का जो सीटी नंबर या हॉर्नस फील्ड यूनिट है इट इज प्लस 40. अगर हम व्हाइट मैटर की बात करेंगे, व्हाइट मैटर का सीटी नंबर प्लस 45. अगर हम फैट की बात करेंगे, फैट का जो सीटी नंबर है इट इज -50 to -150. अगर हम लंग्स की बात करेंगे, लंग्स का जो सीटी नंबर है इट इज -200. सो फ्रॉम दिस स्केल वी कैन से दैट यहां से कितने सीटी नंबर्स हैं, फ्रॉम 0 to -1000 यहां से 1000 सीटी नंबर्स हैं. यहां से यहां तक कितने सीटी नंबर्स हैं, फ्रॉम 0 to +1000 देर आर 1000 सीटी नंबर्स. सो ऑन दिस स्केल टोटल नंबर ऑफ सीटी नंबर्स इन आवर बॉडी इट इज 2000 1000 प्लस 1000. टोटल नंबर ऑफ सीटी नंबर्स इन आवर बॉडी इज 2000. क्लियर? यस. देखिए अब इस हॉर्नस फील्ड यूनिट की फिजिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है. एक्चुअली ये यूज कहां पे होता है? जब मैं किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल सीटी करता हूं, सीटी एब्डोमेन, तो मुझे क्या दिखता है, किडनी पे मुझे एक डार्कर सा रीजन, डार्कर सा स्ट्रक्चर दिखा. तो अब मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, ये लीजन है या ये कोई सिस्ट है या ये कोई एब्सेस है, तो ये मुझे पता नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, मैं इसका सीटी नंबर देखता हूं. फॉर एग्जाम्पल इट इज सीटी नंबर इज कैलकुलेटेड एज 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट्स. इसका जब मैंने सीटी नंबर देखा तो वो कितना आया, 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट्स. तो मैं इसको रेफरेंस वैल्यू से कंपेयर करता हूं, 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट्स. मैं बोलता हूं कि जो 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट्स हैं इट इज नियर टू वाटर, इट इज नियर टू द सिटी नंबर ऑफ वाटर. तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सिस्ट है ना, इट विल बी अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट. तो इसमें फ्लूइड हो सकता है, लेकिन 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट क्यों, 0 क्यों नहीं, तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी हो सकती है इस फ्लूइड में. दैट इज वाई 4 हॉर्नस फील्ड यूनिट्स आया इसका. तो यहां से हम क्या क्या देख सकते हैं, यहां से हम किसी अननोन स्ट्रक्चर को नोन वैल्यू से कंपेयर करके उसका अप्रोक्सीमेट डेंसिटी या अप्रोक्सीमेट लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं. आई होप कि आज का जो टॉपिक है ये हर किसी को समझ आया होगा. कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना.